कुछ है ना मंदिर में क्लास में टीवी में सुनते हो कि इतने अभी माताएं एक को भी याद नहीं है, मतलब अभी तक इतने माताओं को ज्ञान याद ही नहीं बाबा का, ऐसे हो गया ना। आप कहेंगे रोज मुरली सुनते हैं, मधुबन में जाते हो, टीवी में फ्री ऑफ माइंड देखते हो, लेकिन देखा हुआ ज्ञान कहाँ है? आचरण में नहीं देखा, वहां का वहां छुट गया। देखने कुछ देखा सुना याद होना चाहिए, उसको आचरण में लाना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? रोज मुरली ध्यान से सुनते रहो, आराम से सुनते सुनते देख लो आज बाबा ने मेरे लिए क्या कहा, मुझे क्या अच्छा लगा, मुझे क्या करना चाहिए। एक महावाक्य ले लो जो भी आपको अच्छा लगे, ऐसे नहीं वरदान लेना चाहिए, स्लोगन ही लेना चाहिए, नहीं। आपको पता है मेरी कमी क्या है, तो मेरे लिए बाबा ने आज मुरली में क्या, वो एक महावाक्य लिख करके जो लिख सकते हो लिख के भाई, लिख करके अपने जेब में रखो। माताएं लिख करके अपने पास किचन में रहते हो, कम मकान में रहते हो, घर में रख दो, जहां फोन भी आता है उधर रख दो। यहां से जाने के बाद हर एक व्यक्ति नाश्ता करता है ना, और हर एक को दो हाथ दिया है, ये हाथ शरीर को खिलाता है, ये हाथ खाली, ये हाथ जेब में डालो जब नाश्ता करने बैठते हो, बैठते ही आज बाबा ने क्या कहा, बाबा की याद में खाना खा लो। क्या याद करेंगे बाबा को? बाबा की याद माना क्या, जो बाबा ने श्रीमद दिया आज ज्ञान सुना है वो याद होना चाहिए ना। नहीं तो हम कहते बाबा की याद क्या याद करेंगे। हाँ, आज सवेरे ऋषि बाबा ने मुरली में ये कहा था, याद भी है भाइयों को, याद नहीं जेब में है, पढ़ो रखो फिर खाना खा लो। सवेरे दिन में शाम को तीन दफा, क्योंकि शरीर को आप तीन दफा खाना खिलाते हो ना, एक दफा खिलाते हो, तीन दफा तो शरीर को खिलाते हो, आत्मा को भी तीन दफा चाहिए, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा।